हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काफी रिलेवेंट है। वो टॉपिक का नाम है डिपॉजिटरी। देखिए, जब भी हम शेयर्स में डीलिंग की बात करते हैं तो दो बातें हमारे जहन में आती हैं कि हाँ, डीलिंग करनी है, पर करनी कैसे है, फिजिकल में कि ऑनलाइन। फिजिकल में है तो ठीक है, बट ऑनलाइन है तो एक शब्द जहन में आता है, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी डीलिंग होती है अगर क्या है कि शेयर्स क्या है ऑनलाइन फॉर्म में है। ऑनलाइन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, डीमैट कहते हैं। डीमैट फॉर्म, डीमैट बोले तो फुल फॉर्म क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसे क्या बोलते हैं हम, डीमैट फॉर्म। देखिए, जब शेयर्स होते हैं ऑनलाइन फॉर्म में तो एक प्रोसेस होती है भी, कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी जो राइट्स देती है, वो कैसे इन्वेस्टर तक जाते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है। तो पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि कंपनी जो राइट्स देती है किस प्रकार से देती है, जो ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स होते हैं, और क्या प्रोसेस होती है जिससे क्या है कि शेयर्स जो है ट्रांसफर किए जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। बेटा, एक इसको हम समझते हैं एक तरीके से। जब शेयर्स क्या होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो एक इधर एक कंपनी है और दूसरी तरफ कौन बैठा है बेटा, इन्वेस्टर। ठीक है, एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ कौन है, निवेशक है, इन्वेस्टर है। अब देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है। अब शेयर्स तो है डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसका क्या होगा फिर? तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे किसके पास होते हैं, डिपॉजिटरी के पास। ठीक है, किसके पास होते हैं बेटा, डिपॉजिटरी के पास। अब इन्वेस्टर जो है डिपॉजिटरी के थ्रू कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है? अभी आंसर है ना, कि डिपॉजिटरी जो होता है वो इन्वेस्टर से डायरेक्टली डील नहीं करता। डिपॉजिटरी जो डील करता है इन्वेस्टर के साथ, वो करता है थ्रू डीपी। डीपी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है बेटा, क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो यानी अगर इन्वेस्टर को अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो पहले वो डीपी के थ्रू डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खुलवाएगा। एक्चुअल में इन्वेस्टर का जो अकाउंट होता है वो डिपॉजिटरी के पास होता है, विद द डिपॉजिटरी होता है, बट जरिए किसके होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी। ठीक है, तो डीपी के जरिए डिपॉजिटरी के पास इसका अकाउंट होता है। और कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कंपनी किसी को नहीं जानती, कंपनी केवल जानती है किसको, डिपॉजिटरी को। तो कंपनी सारे शेयर्स किसके नाम पे कर देती है, डिपॉजिटरी के नाम पे। तो बेटा, जो डिपॉजिटरी है ना, ही इज द रजिस्टर्ड ऑनर। क्या है ये, रजिस्टर्ड ऑनर है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो जो डिपॉजिटरी है वो क्या है, एक रजिस्टर्ड ऑनर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और जो डीपी है ये तो केवल क्या है, एक बिचौलिया है, एजेंट है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि अकाउंट खुलाया जाता है। और कंपनी जब क्या है, कोई भी डिविडेंड देती है, कोई बोनस शेयर देती है, ठीक है, कोई भी जो राइट होता है वो ट्रांसफर किसको करती है, डिपॉजिटरी को। क्यों, कंपनी जानती ही किसको है, डिपॉजिटरी को। अब उसके बाद क्या होता है कि डिपॉजिटरी के पास किसका रिकॉर्ड है, सभी इन्वेस्टर्स का, सभी इन्वेस्टर का जो रिकॉर्ड है बेटा वो किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास। तो जो इन्वेस्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल ऑनर्स, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी किसको जानती है, केवल डिपॉजिटरी को। तो कंपनी सारा का सारा डिविडेंड बोनस जो भी है किसको दे देगी, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी फर्दर किसको देगा, वो आगे इन्वेस्टर्स को। यानी डिपॉजिटरी जो डिविडेंड वगैरह है किसको दे देगा बेटा, इन्वेस्टर को दे देगा। तो डिपॉजिटरी की किताबों में जो इन्वेस्टर्स है वो क्या है, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ सिक्योरिटीज इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी, इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी। ठीक है, ठीक है जी। तो बेटा एक चीज याद रखना, कल को अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड ऑनर एंड
beneficial owner, ठीक है, कि registered owner and beneficial owner में क्या फर्क है। तो लिखना क्या है बेटा, कि जो registered owner है तो वो क्या है, depository, depository is the registered owner in the books of company, ठीक है। तो कंपनी की किताबों में मालिक कौन है, डिपॉजिटरी, ठीक है, एंड डिपॉजिटरी की किताबों में मालिक कौन है, इन्वेस्टर। तो आगे क्या है, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इज द बेनिफिशियल ओनर इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी, ठीक है। और याद रखना कि देश में जो डिपॉजिटरी हैं वो मैक्सिमम कितने हैं, ठीक है, दो ही हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल, और इन्वेस्टर की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आपने उतारना उतार लो, जब भी कोई चीज लिखने वाली आती है तो बीच बीच का पोस्ट करके उसको उतार लिया करो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना बेटा, जो देश में हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, मल्टी मॉडल डिपॉजिटरी सिस्टम है। क्या है, मल्टी मॉडल डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी ऐसा नहीं है कि देश में एक ही डिपॉजिटरी है, हमारे देश में एक से ज्यादा डिपॉजिटरी है, बट एट प्रेजेंट कितने, मैक्सिमम दो है हमारे पास, दो डिपॉजिटरी है इस समय हमारे पास, एक है एनएसडीएल, एक है एनएसडीएल, और दूसरा कौन सा बेटा, सीडीएसएल। एनएसडीएल बोले तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एनएसडीएल जो है वो एनएससी का है, ठीक है, सीडीएसएल जो है वो बीएससी का है, यानी एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है और सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो अब एक चीज मैंने जिसमें बताई आपको, सबसे ऊपर क्या आ गया, डिपॉजिटरी आ गया, ठीक है, सबसे ऊपर क्या बेटा, डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी के नीचे क्या है, कई सारे डीपीज हैं, क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईसीआईसी सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, डीपी है। और इन डीपीज के आगे बहुत सारे क्या है, क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, इन्वेस्टर्स, ठीक है, सारा ऐसे ही चलेगा, सबके ऐसे ऐसे क्या होंगे, आगे आगे बेटा क्या होंगे, इन्वेस्टर्स, जो क्लाइंट्स हैं, जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड वगैरह देना है, कंपनी किसको देती है, डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी आगे किसको फॉरवर्ड करता है, इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर के खाते में डाल देता है। अब जो हमें समझना है बेटा, एक चीज ये समझनी है कि जो डिपॉजिटरी है, क्या है, डिपॉजिटरी, याद रखना डिपॉजिटरी जो होता है वो क्या था, इज ए लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर बोले तो बेनिफिशियल ऑनर। और दूसरी बात है डीपी की, और डीपी बेटा किसके बीच में लिंक है, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक कौन है, डीपी। क्यों, एक इन्वेस्टर को अगर डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इन्वेस्टर किसके पास जाएगा, डीपी के पास जाएगा। डीपी क्या है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा किसको, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी क्या है कि एप्लीकेशन वेरीफाई करके उस इन्वेस्टर का अकाउंट खोल देगा। तो जो डीपी है वो क्या है बेटा, डीपी इज ए लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, ठीक है। तो डिपॉजिटरी जो था वो लिंक था, कंपनी तो था इन्वेस्टर के बीच में,
और डीपी जो है वो लिंक किसके बीच में, डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आप अपने नोट्स की ओर। तो डिपोजिटरी, डिपोजिटरी क्या है, इसका एक अलग से एक्ट है, डिपोजिटरी एक्ट 1996। और डीपी का याद रखना अलग से एक्ट नहीं, इसके अलग से रेगुलेशंस हैं। एक रेगुलेशंस है सेबी, डिपोजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस, ठीक है, वो हमने पढ़ने हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज ई ऑफ द डिपोजिटरीज एक्ट 1996, डिपोजिटरी का मतलब क्या है, डिपोजिटरी मींस ए कंपनी फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब यहां पे बेटा क्या यूज करेंगे हम, 2013। तो डिपोजिटरी क्या हुआ, एक तो जो कंपनी है एज पर द कंपनी लॉ एंड विच हैज बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी एक्ट 1992। तो दो बातें हुई, तो डिपोजिटरी की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या होगी, एक रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, क्या है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट हो गया 2013, ठीक है, या उससे पहले जो एक्ट थे, एंड क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, सेबी, ठीक है, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और कंपनी लॉ के तहत क्या है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, इनकॉर्पोरेशन हुई हो। आगे चलते हैं, कहते डिपोजिटरी, अब देखिए वो तो था टेक्निकल सेंस, डिपोजिटरी क्या है कि एक कंपनी है जो क्या है कि अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है, प्लस उसने क्या है कि सेबी के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, एज पर द डिपोजिटरी एक्ट। फिर कहते हैं डिपोजिटरी, अब बेसिक चीजें, डिपोजिटरी का मीनिंग क्या है, डिपोजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ शेयर होल्डर आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज फॉर्म, ठीक है। तो डिपोजिटरी जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जहां पे क्या है कि शेयर होल्डर की सिक्योरिटीज क्या है कि डीमैट फॉर्म में रखी जाती है थ्रू डीपी, बताया कि डीपी के थ्रू ही होगा, इन्वेस्टर जो पैसे लगाएगा वो डीपी के थ्रू ही लगाएगा। डिपोजिटरी इज ए सेंट्रलाइज वेयरहाउस, सेंट्रलाइज वेयरहाउस क्यों, कि सारा का सारा रिकॉर्ड होता है किसके पास, सिक्योरिटीज का, डिपोजिटरी के पास, तो क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज वेयरहाउस इन द डीमटेरियलाइज फॉर्म, द एलिजिबल सिक्योरिटीज आर वेयरहाउस, देखिए यहाँ शब्द यूज किया गया एलिजिबल सिक्योरिटीज, ये नहीं कि जनी खनी सिक्योरिटी लिस्ट हो जाएगी, जनी खनी सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, जो एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं केवल वही क्या है कि डीमैट फॉर्म में रखी जा सकती है विद द डिपोजिटरी। एलिजिबल सिक्योरिटीज आर वेयरहाउस्ड विद द डिपोजिटरी इन कंप्यूटराइज फॉर्म टू अनेबल सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिपोजिटरी सिस्टम ऑफर्स एन एफिशियंट ट्रांसफर मैकेनिज्म, देखिए इसका मेन मकसद था ही क्या, कि एफिशियंट ट्रांसफर मैकेनिज्म हो बाय इंटरफेसिंग स्टॉक मार्केट एंड रिलेटेड क्लियरिंग ऑपरेशन। फिर पहले क्या होता था, जो डिपोजिटरी नहीं था तो जो टाइम लगता था वो टी प्लस 14 तक टाइम लग जाता था, ठीक है, टी प्लस 14 का मतलब क्या है, टी का मतलब होता है कि डे ऑफ ट्रांजेक्शन, डे ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये क्या थे 14 डेज, ये क्या थे डेज रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, ठीक है, ये क्या कि जो सेटलमेंट के लिए टाइम चाहिए वो 14 डेज है, ठीक है, टी क्या होगा डे ऑफ ट्रांजेक्शन, डे ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बट अब क्या हो चुका है, टी प्लस 2 जस्ट बिकॉज ऑफ डिपोजिटरी, केवल एक डिपोजिटरी के कारण जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है टी प्लस 2, ठीक है, डे ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, प्लस 2 क्या है, जितना दिन चाहिए ट्रांजेक्शन को सेटल करने, कहां 14 दिन, कहां 2 दिन, दो दिन के अंदर क्या है कि शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, पैसे खाते में आ जाते हैं, शेयर्स खाते में आ जाते हैं दूसरी पार्टी के, तो इसका ये फायदा हुआ है डिपोजिटरी का। जिसमें बताया था कि डिपोजिटरी का जो सिस्टम है हमारे देश में मल्टी मॉडल सिस्टम है, जिसमें क्या है कि 2 डिपोजिटरीज है, एक NSDL है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेक्स्ट वन इज CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मैंने को बताया था बेटा कि जो NSDL है वो NSE का है और जो CDSL है वो किसका है, BSE का है। तो देश में 2 डिपोजिटरी हैं, NSDL एज वेल एज CDSL। फिर है कि डिपोजिटरी के फंक्शंस क्या हैं, एक अकाउंट ओपनिंग, मैंने बताया कि अकाउंट ओपन कहाँ होता है, डिपोजिटरी के पास, बट अगर खुलवाना किसके जरिए है, तो डीपी
कि जरिए खुलवाना है वो किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। अकाउंट ओपन किसके पास होगा, डिपॉजिटरी के पास। ठीक है, डिमेटेरियलाइजेशन हो गया। डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है बेटा, कि फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू डीमैट फॉर्म। ठीक है, फिजिकल को क्या है कि डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। ये उल्टा है, ये क्या है बेटा, उल्टा मतलब कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम डीमैट टू फिजिकल फॉर्म। ठीक है, डीमैट से फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट है सेटलमेंट, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया अभी टी प्लस टू वाला। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, जैसे इसमें एक तो है मेन रोलिंग सेटलमेंट है, वो क्या है टी प्लस टू, दो दिन के अंदर सारी सेटलमेंट कर मारना, ये जिम्मा किसका होता है, ठीक है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के आगे क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है या क्लियरिंग हाउस होते हैं, वो एक्चुअली सेटल करते हैं। उसके बाद क्या है कि आईपीओ हो गया, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं, जो इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर्स जाएंगे या उनकी खाते में डिविडेंड जाएगा या बोनस शेयर जाएगा, ये कौन करेगा सारा, डिपॉजिटरी। क्रिएशन ऑफ एनकंबरेंस, अब कोई बंदे के पास शेयर्स है, वो प्लेस करना चाहता है, तो क्या है कि वो डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन लिखता है, हम पढ़ेंगे इसको जो प्लेस कैसे किए जाते हैं। तो डिपॉजिटरी को एक एप्लीकेशन जाती है, एक एग्रीमेंट की कॉपी जाती है, तो डिपॉजिटरी क्या है कि उसको जो शेयर्स एनकंबर्ड है उसको यह ब्लॉक कर देता है कि ताकि आगे ये सेल ना किया जा सके। ये भी काम किसका है, किसका, डिपॉजिटरी का है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी का काम क्या आया, अकाउंट को ओपन करना, शेयर्स को डीमैट में लेके आना ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, और डीमैट में लेके आना डीमेटेरियलाइजेशन हो गया। उसके अलावा शेयर्स क्या है कि प्लेज वगैरह करने जो है, ये किसका काम है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके अलावा कॉर्पोरेट जो एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, डिविडेंड है, बोनस है, वो अकाउंट में डालना इन्वेस्टर्स के। नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑन द डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया। बेटा मैंने बताया कि जैसे क्या है कि इंडिया में क्या है, जो डिपॉजिटरी है वो केवल दो ही है, कौन सा, एक एनएसडीएल है, दूसरा कौन सा है, सीडीएसएल है। एक एनएसडीएल है, दूसरा कौन सा है, सीडीएसएल है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी कोई आईपीओ वगैरह आता है, जब भी इशू आता है, कोई भी पब्लिक इशू आता है, क्या है, जब भी बेटा कोई पब्लिक इशू आता है, ठीक है, तो शेयर्स फर्स्ट टाइम तो किस में होते हैं, केवल डीमैट फॉर्म में होते हैं। स्टार्टिंग में किस फॉर्म में होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, बट इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो बाद में इसको डीमैट फॉर्म में ही रख ले, ठीक है, या इसको किस में कन्वर्ट करवा ले बेटा, फिजिकल फॉर्म में। इन्वेस्टर की ये मर्जी होती है, चाहे इसे डीमैट फॉर्म में रखे, चाहे इसे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा ले, ये किसकी मर्जी है, इन्वेस्टर की। तो एन ओवरव्यू ऑफ ऑन द डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया में क्या है, डिपॉजिटरी इज ए होल्डर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये तो बेटा हम बात बार बार कर रहे हैं, डिपॉजिटरी क्या एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी है, क्या एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस है, कि जहां पे क्या है कि सारा की सारी सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखी जाती हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या एक होल्डर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है, ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी के जरिए क्या है, सिक्योरिटीज किसके पास रखी जाती है, डिपॉजिटरी के पास। विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज एक्सटिंग्विश। जब सिक्योरिटीज किस में आ जाती है, डीमैट फॉर्म में आती है, तो फिजिकल सिक्योरिटीज ऑब्वियसली क्या है, खत्म कर दी जाती है। एंड द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। विद द अडॉप्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, एंट्री फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली एंड नो पेपर इज इन्वॉल्व। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैंने बेटा आपको बताया था कि टी प्लस 14 हुआ करता था, जस्ट एक ट्रांजेक्शन को सेटल होने में 14 डेज, ये 14 डेज तो वर्किंग डेज थे, छुट्टियां अलग थी, एंड द प्रोसेस वाज वेरी लेंथी, मोर ओवर देयर वाज नो सेफ्टी एट ऑल। फिजिकल फॉर्म में शेयर थे, फट गए, गुम हो गए, चोरी हो गए, तो ये रिस्क रहते थे, इलेक्ट्रॉनिक में ये ऐसा रिस्क कुछ भी नहीं है। देखिए ये काफी रिलेवेंट है बेटा, फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश का जो सिस्टम है डिपॉजिटरी का,
वो क्या है कि मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल में क्या आएगा, एक एनएसडीएल प्लस सीडीएसएल। डिपोजिटरी सिस्टम इन इंडिया इज ए मल्टी मॉडल डिपोजिटरी सिस्टम, के मल्टी डिपोजिटरी सिस्टम है, मल्टी मॉडल यानी कि देयर कैन बी वेरियस एंटिटीज प्रोवाइडिंग डिपोजिटरी सर्विसेज, बट एट प्रेजेंट कितनी है, दो है। ठीक है, डिपोजिटरी इज ए कंपनी, जो हम बता चुके हैं डिपोजिटरी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड जो है, प्लस क्या है कि सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। डिपोजिटरी इज ए कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, दो तेरा कर लेना यहाँ पे, रजिस्टर्ड विद अंडर सेबी एक्ट 1992। प्रेजेंटली देयर आर टू डिपोजिटरीज, वन इज एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, अदर वन इज सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और सेकेंड क्या है कि डिपोजिटरी जो है वो क्या है कि डायरेक्टली डील नहीं करता लोगों से, वो थ्रू डिपोजिटरी ही डील करता है। जाके जाके पढ़ेंगे कि जो डिपोजिटरी है वो लाइक ए बैंक है, जैसे बैंक कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करता, बैंक जो कस्टमर से डील करता है थ्रू ब्रांचेस डील करता है, ऐसे ही क्या है कि डिपोजिटरी कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करता, डिपोजिटरी जो कस्टमर से डील करता है वो थ्रू डीपी ही करता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द एजेंट्स ऑफ डिपोजिटरी, बताया कि एक डिपोजिटरी के लिए बहुत सारे हजारों क्या होते हैं डीपीज होते हैं। डीपीज डिपोजिटरी प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर अपॉइंटेड एज पर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी डिपोजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन, अब ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, 2018 का हो चुका है ये, ठीक है। सेबी डिपोजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 एंड अदर एप्लीकेबल कंडीशंस। डिमेटेरियलाइजेशन है, ये किसका काम है, ये डिपोजिटरी सिस्टम ही होता है कि फिजिकल शेयर्स क्या है किसमें कन्वर्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिमेटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। विद द हेल्प ऑफ डिमेटेरियलाइजेशन वी कैन अचीव ए कंप्लीटली पेपर फ्री सिक्योरिटीज मार्केट। तो डीपी के थ्रू किसके खाते में चल जाएंगे, वो आगे इन्वेस्टर के अकाउंट में चले जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, ये बहुत आसान हो चुकी है, पहले जैसे मैंने बताया कि टी प्लस 14 का सिस्टम था, अब क्या हो गया टी प्लस 2, दो दिन में सारी की सारी सेटलमेंट हो जाती है साथ के साथ। शेयर्स हेल्ड इन द डीमैट फॉर्म आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक शब्द है बुक एंट्री सिस्टम, बुक एंट्री सिस्टम, बुक एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई फिजिकल पेपर इन्वॉल्व, कोई क्या है फिजिकल जो वर्क है इन्वॉल्व नहीं है, नो फिजिकल पेपर वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, कोई फिजिकल पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट क्या है कि एंड टू एंड एंट्री है, क्या है एंड टू एंड एंट्री होती है, यानी कि एक जगह एंट्री हुई वो लास्ट तक सेटलमेंट सिस्टम तक क्या है कि ऑनलाइन अपने आप एंट्री हो जाएगी। जितने भी सिस्टम में लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके तक क्या है कि सबके पास जानकारी उनके सिस्टम में पहुंच जाती है, ये क्या एंड टू एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड जो एंट्री होती है, कोई फिजिकल पेपर इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं बुक एंट्री सिस्टम। एक सिस्टम में एंट्री हुई सारी जगह क्या है कि जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां एंट्री पहुंच जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि रजिस्टर्ड ऑनर एंड बेनिफिशियल ऑनर, जो डिपॉजिटरी है वो क्या है कि इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या है रजिस्टर्ड ऑनर है, और जो इन्वेस्टर है वो क्या है कि इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी क्या है बेनिफिशियल ऑनर है। और जो डिपोजिटरी है वो तो आपको बताइए कि देश में दो ही हैं एनएसडीएल सीडीएसएल, और जो इन्वेस्टर है बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी कोई संख्या सीमित नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ओनर्स ऑफ डीमैट सिक्योरिटीज इन द डिपोजिटरी सिस्टम इज बाइफर्केटेड बिटवीन रजिस्टर्ड ऑनर एंड बेनिफिशियल ऑनर, एक हुआ रजिस्टर्ड ऑनर, दूसरा कौन सा हुआ बेटा बेनिफिशियल ऑनर। अकॉर्डिंग टू डिपोजिटरीज एक्ट रजिस्टर्ड ऑनर मीन्स ए डिपोजिटरी, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑनर कौन है डिपोजिटरी है, हूज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ इश्यूअर, ए बेनिफिशियल ऑनर कौन है जो अल्टीमेट इन्वेस्टर है जिसको सारे बेनिफिट जाने हैं। ए बेनिफिशियल ऑनर मींस ए पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड विद द डिपोजिटरी, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, कंपनी के पास होगा, ही इज कॉल्ड डिपोजिटरी। और जो बेनिफिशियल ऑनर है उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, डिपोजिटरी के पास, ठीक है। जो एक्चुअल में इन्वेस्टर है तो कंपनी में नहीं रहा कि जैसे डिविडेंड देगी कल को, तो कंपनी किसके खाते में डालेगी, डिपोजिटरी के खाते में, डिपोजिटरी फर्दर किसके खाते में डालेगा, इन्वेस्टर के खाते में, ठीक है। द सिक्योरिटीज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर डिपोजिटरी, बट जितने भी राइट्स हैं, एग्जांपल देता हूं डिविडेंड की बार बार, बट द राइट्स बेनिफिट्स एंड लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपोजिटरी रिमेन विद द बेनिफिशियल ऑनर। फॉर द
डिमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज एनएसडीएल सीडीएसएल इज द लिस्टेड ऑन जो देश में क्या है दो ही एनएसडीएल एज वेल एज सीडीएसएल इन द बुक्स ऑफ इश्यूअर बट ऑनरशिप राइट्स किसके पास होते हैं जो बेनिफिशियल ऑनर है जो आम निवेशक है ठीक है नेक्स्ट बेटा काफी रिलेवेंट है फंजिबिलिटी अब फंजिबिलिटी क्या होता है कि जैसे आपके पैसे होते हैं एक तो कैश है गांधी का नोट है तो फिजिकल फॉर्म में तो एक होता है कि जब कैश आपका क्या है कि बैंक में जमा है इलेक्ट्रॉनिक तो हम देखा होगा एनईएफटी करते हैं आरटीजीएस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है तो ये आपका कैश क्या है कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो क्या है कि फंजिबल फॉर्म में है जहां पे आपको देखो जेब में आपको पता है कि आपके पैसे जो पड़े हैं 100 का नोट है 50 का है 10 का है 20 का है ठीक है 2000 का है 500 का है आपको पता है कि ये पैसे जो है फिजिकल फॉर्म में है तो पहचान है कि ये नोट मेरा है ये इस नंबर का नोट मेरी जेब में था ठीक है बट क्या है कि जो शेयर्स जो डीमैट फॉर्म में होते हैं तो क्या है या जैसे पैसे डीमैट फॉर्म में होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं पैसे तो वहां पे किसी की पहचान नहीं होती मान लीजिए मेरे बैंक में 20,000 रुपीज है तो क्या मुझे पता है वो कितने का नोट है 500 का या 10 का है 100 का है 2000 का है कोई पहचान नहीं है उस चीज की ठीक है उस तरीके से क्या होता है कि शेयर्स या सिक्योरिटीज क्या है जब डीमैट फॉर्म में होती है तो उनकी कोई अलग से पहचान नहीं होती बट हाँ ये है कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं बट मैंने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स मेरे पास पहले पड़े थे ये ओपनिंग बैलेंस था आज मैंने 200 शेयर खरीदे 50 बेचे फिर 100 खरीदे फिर 70 बेचे मैंने तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास 301 हो गया 400 50 गए 350 और आपका आ गया 280 तो जो 280 बैलेंस शेयर्स है मेरे अकाउंट में ठीक है क्या मैं पहचान सकता हूं कि अब जो मेरे पास 280 शेयर्स हैं इसमें से मैंने कौन से शेयर कब खरीदे ठीक है कौन से वाले शेयर्स मेरे पहले खरीदे गए कौन से वाले शेयर्स में नहीं बट मुझे इतना है इतना मेरे पास रिकॉर्ड है कि हाँ मैंने इतने शेयर खरीदे इतने बेचे मेरे पास इतना बैलेंस बच गया तो ये रिकॉर्ड तो है बड़ा शेयर्स की गिनती कर सकते हैं बट पहचान नहीं सकते पहचान खत्म हो जाती है दैट इज कॉल्ड फंजिबिलिटी ठीक है तो फंजिबिलिटी क्या होता है बेटा जब शेयर्स क्या है कि डीमैट फॉर्म में चले जाते हैं तो क्या है कि शेयर्स जो होता है कि अपना जो पहचान है वो खो देते हैं वैसे हर एक सिक्योरिटी का क्या होता है ISIN कोड होता है ठीक है ISIN क्या होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है याद रखना ये भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मान लीजिए RIL है कंपनी तो मेरे पास कंपनी के शेयर्स है तो ऑब्वियसली RIL का क्या होगा एक ISIN कोड होगा शेयर का एक ISIN नंबर होता है वो है बट क्या है कि जब मैं शेयर खरीदूंगा बेचूंगा लगा रहूंगा तो मैं ये पहचान नहीं सकता कि कौन सा शेयर मैंने कब खरीदा बट यहाँ ये रिकॉर्ड है कि कितने शेयर थे मेरे पास कितने खरीद लिए कितने बेच दिए चाहे नोटों की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो नोट होते हैं तो पहचान नहीं होती आपकी पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं तो पहचान नहीं होती ठीक है कौन सा नोट आपके बैंक में ऐसे ही क्या है कि इसमें पहचान नहीं होती क्योंकि आपस में क्या होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं फंजिबिलिटी क्या है बेटा सिक्योरिटीज हेल्ड इन द डीमैट फॉर्म डू नॉट बियर एनी फीचर लाइक डिस्टिंक्टिव नंबर नोटों का होता है जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट नंबर होता है इसमें जब फंजिबल फॉर्म में कोई शेयर सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता फोलियो नंबर नहीं होगा कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं होगा एक बार शेयर जब डीमैट फॉर्म में चले गए तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है आइडेंटिटी है वो लूज हो जाती है खत्म हो जाती है उनका जो डिस्टिंक्ट नंबर है वो नहीं रहता दस ऑल सिक्योरिटीज इन द सेम क्लास आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल तो सिक्योरिटीज के आपस में इंटरचेंजेबल है ठीक है तो उसकी अलग से कोई पहचान नहीं है कि ये शेयर मैंने तब खरीदा ये अब खरीदा ऐसी कोई पहचान नहीं है।